आवेदन करूंगा कि वो साफा पहना करके स्वागत करें। श्री भवनलाल पुजारी जी, श्री भवनलाल पुजारी जी तैयार रहे, वो माला पहना स्वागत करें। अध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी श्री गोसाराम जी गोदारा साहब, माननीय गहलोत साहब का पूर्व प्रधान साहब माला पहना करके स्वागत करेंगे। श्री अजय माकन जी का स्वागत करने के लिए मैं मंगलाराम जी गोदारा साहब पूर्व विधायक डोंगरगढ़ से निवेदन करूंगा कि आप साफा पहना करके स्वागत करें। श्री दीवान सिंह जी महानीसरिया पूर्व प्रधान साहब से आग्रह करूंगा कि आप माला पहना करके अजय माकन जी का स्वागत करें। श्री विद्याधर जी बेनीवाल अध्यक्ष सुजानगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब का साफा पहना करके स्वागत करें। श्री विद्याधर जी बेनीवाल, श्री राधेश्याम जी अग्रवाल साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माला पहना करके डोडासरा जी का स्वागत करेंगे। श्री राम अवतार शर्मा जी मंगलहारा से भी निवेदन करूंगा कि वो साफा पहना माला पहना करके स्वागत करें। श्री सूर्याराम जी ढाका से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का माला पहना करके स्वागत करें। श्री जयदाराम जी यादव साहब से आग्रह है कि वो हमारे कांग्रेस के नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब का साफा पहना करके स्वागत करें। जेठाराम जी यादव, श्रीमती सविता राठी जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ शहर और बीदासर शहर से निवेदन करूंगा कि आप माला पहना करके सविता जी पायलट साहब का स्वागत करें। श्री इंद्रेश जी गौरी साहब से निवेदन है कि आप सचिन पायलट साहब को माला पहना करके स्वागत करें। इक्यावन किलो फूलों की माला जो है माननीय मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, अशोक गहलोत साहब सीएम साहब को पहनाएंगे, अजय माकन साहब को, गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और सचिन पायलट साहब को 51 किलो की माला। पांच लोग, सिर्फ चार कार्यकर्ता हैं, 51 किलो की माला लेके आए व्यवस्थित तरीके से। इसमें भंवर सिंह जी भाटी साहब, मनोज कुमार जी मेघवाल साहब, भंवरलाल जी पुजारी साहब, पूछा राम जी गोदारा साहब, नसीम अख्तर इंसाफ मैडम, राजेंद्र मूंड जी में, डूंगर राम जी गेदर साहब, विद्याधर जी बेनीवाल साहब, सविता राठी जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, नीलोफर गोरी जी, इदीस गोरी जी और गणेश ढाका जी 51 किलो की माला पहनाकर आज मनोज मेघवाल जी के नामांकन रैली में पधारे हुए हमारे श्रीमान यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अजय माकन साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री युवाओं के चहेते सचिन पायलट साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इस सुजानगढ़ की पावन धरा पर, सालासर भगवान की पावन धरा पर बालाजी के आशीर्वाद से मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब के पुत्र मनोज मेघवाल जी के जो है आज नामांकन रैली में पधारे हुए मोतियों से महंगे हमारे मेहमान तमाम साथी फोटो सेशन हो गए हैं। तो कार्यकर्ताओं से वॉलंटियर से निवेदन है कि मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद में आगे का कार्यक्रम सहाड़ा में है मुख्यमंत्री महोदय का और अतिथियों का। उसके बाद राजसमंद है 51 किलो की माला ध्यान से ले जाते हुए तमाम साथी नौजवान यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवादल सरपंच साहिबान तमाम जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य साहिबान जो है यहाँ उपस्थित है। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए मंचासीन अतिथियों को बुलवाने के लिए भंवर सिंह जी भाटी हमारे प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो अपने उद्बोधन के माध्यम से आगे का मंच संचालन करें। सुजानगढ़ के इस पवित्र भूमि पर आज राजस्थान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जी के नामांकन भरने के अवसर पर आज की इस सभा में पधारने पर सभी गणमान्य लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। यहां मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बनवारी लाल जी बेदी, स्वर्गीय गिरीश चंद्र जी मिश्रा, स्वर्गीय लालचंद जी, स्वर्गीय हरिराम जी ढाका, स्वर्गीय फूलचंद जी जैन, हीरालाल जी शर्मा, ये सभी
स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सुजानगढ़ की इस धरती पर, जिनका जन्म हुआ है, मैं उनको याद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो मांगे थी, जो विकास के मुद्दे थे, उस पर आपने जब आप पहले पधारे थे किसान सम्मेलन में, उस अवसर पर भी लोगों ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे रखे थे, जो समस्याएं बताई थी, उनका समाधान किया है। चाहे मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में खोलने की घोषणा हो, कातर छोटी में नई उप तहसील बनाने की घोषणा हो, सुजानगढ़ में न्यायालय परिसर में 22 एडवोकेट्स के चैम्बर बनाने का जो मुद्दा लंबे समय से चल रहा था उसका समाधान हो, चाहे छापर रोड पर फाटक की जो समस्या लंबे समय से थी, 65 करोड़ रुपए उसके लिए आपने स्वीकृत किए हैं, रेलवे अंडरपास के लिए भी सुजानगढ़ की जनता आपकी आभारी है। उसके साथ साथ आपने योजना पेयजल योजना में सेकेंड चरण में रतनगढ़ सुजानगढ़ को आपने शामिल किया है, उसके लिए भी सुजानगढ़ के लोग आप सबके आभारी हैं। सुजानगढ़ शहर में पुलिस थाना खोलने की मांग हो, जिसको आपने पूरा किया है। सुजानगढ़ हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड खोलने की जो मांग थी किसान सम्मेलन के दौरान यहां के लोगों ने आपसे मांग की थी, उसको आपने बजट में घोषणा की है। दीदासर में म्यूनिसिप मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की आपके द्वारा घोषणा की गई, 14 नई इस इलाके की महत्वपूर्ण सड़कों की घोषणा की गई। सुजानगढ़ कॉलेज में भूगोल विषय में यूजी शुरू करने, पीजी में हिंदी और साहित्य सुजानगढ़ में आपने शुरू करने के इस बजट में घोषणा की है। वहीं राजनीति विज्ञान और गणित में भी पीजी सुजानगढ़ कॉलेज में किया है, और बीजासर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी यूजी में विज्ञान और वाणिज्य नए संकाय खोले गए, और भूगोल और राजनीति विज्ञान में पीजी खोलने की आपने घोषणा की है। बहुत सारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने जितने भी मांगे थी आपने सारी मांगे पूरी की है। मैं सभी लोगों से यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमजन से निवेदन करूंगा कि आप जोरदार मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे पधारे हुए सभी नेताओं का तालियां बजाकर के स्वागत करें। मैं मनोज कुमार जी मेघवाल, पुत्र स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, जो हमारे कांग्रेस के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव के हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, मैं आप सबकी तरफ से संबंधित मंच का आभार प्रकट करना चाहूंगा और भाई मनोज कुमार मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और यहां सुजानगढ़ के 36 कौम के लोग यहां बिराजे हुए हैं, उन सबको संबोधित करें। भाई मनोज कुमार जी मेघवाल, आज उपचुनाव के लिए रखी इस नामांकन रैली में हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी महासचिव माननीय जोजी नाथन साहब, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन जी पायलट साहब, अन्य सभी मंचासीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सुजानगढ़ के प्रभुजनों, बुजुर्गों, माता और बहनों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, नाकन साहब का, प्रदेशाध्यक्ष जी का, तालेब साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भरोसा जताया और आज सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन करने का मौका दिया। साथ ही आभार प्रकटता हूं कि इस नामांकन के अवसर पर स्वयं सहित उपस्थित होकर मेसला हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सभी आए लोगों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि होली के त्यौहार की 3 दिन की छुट्टियों के बावजूद आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, साधनों के अभाव होने के बावजूद
आप लोगों ने इतनी संख्या में पधारकर सभा को संभव बनाया। मेरे पिताजी करीब 45 साल तक आपके बीच में रहे, आपकी सेवाएं की, लगातार 10 चुनाव उन्होंने आपके यहां से लड़े, लगातार 10 बार नामांकन किया और आपके बीच लगातार सेवा करते रहे। आज भी उनको यहीं होना था, पर अफसोस की बात है और ऐसी परिस्थिति में आपके बीच में रुकाना पड़ा। पर ये आप लोगों का ही मेरे प्रति प्यार था, मेरे ऊपर आशीर्वाद था। आप लोगों ने ऐसा हौसला मेरे को बताया कि इतनी विकट और विषम परिस्थितियों के बावजूद आज मेरे में ये हिम्मत आई कि आपके बीच में खड़ा हुआ, वरना जिस क्षेत्र से मैं कोसों दूर था उस क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद आपके समर्थन से ही आपके बीच में आज है। विकास की जहां तक बात है, उन्होंने अपने क्या कह सकते हुए लंबे समय में क्षेत्र के विकास के लिए खूब काम किए, जो हुआ उन्होंने अपनी तरफ से किया, पर एक ही एजेंडा लेके चले कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। पिछले एक साल से या तो कोरोना की वजह से या लंबे समय के उनके अस्वस्थता की वजह से वो आपके बीच में आ नहीं सके और न ही आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाए। 2 साल पहले बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं के साथ आप लोगों ने यहां से कांग्रेस को चुना था, कांग्रेस का विधायक बनाया। आपने ही क्यों पूरे राजस्थान में समय कांग्रेस को भरोसा किया और कांग्रेस की सरकार बनाई। पर 2 साल में ज्यादा समय उनके काम करने की व्यवस्था में नहीं थे, पर आपका सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ हद तक वो कभी आपको फलने नहीं दी। आप क्षेत्र के जो भी विकास के काम रुके पड़े थे या जो अटके हुए थे या जो आपकी बात वहां पहुंचाई नहीं जा रही थी, उन्होंने अपने माध्यम से उसको सुना और कोशिश की कि आपकी जो भी जायजुर्द है, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्होंने पूरा करने की कोशिश ही नहीं की, पूरे भी किए। चाहे आपकी बरसों से चली आ रही लंबी कन्या महाविद्यालय की बात हो या बिदासर में सिविल कोर्ट खोलने की बात हो, आपकी उस बात को उन्होंने पूरा किया। और चाहे बड़े काम हो, बहुत लंबे वर्षों से सुजानगढ़, रतनगढ़, छापर बिदासर क्षेत्र की मांग थी और उसको उन्होंने पूरा किया, और आपको पता है कितने से करोड़ों की लागत से उन्होंने छापर बिदासर और सुजानगढ़ के बीच रेलवे और ब्रिज पे आरओबी का काम किया। और भी अनेक घोषणाएं उन्होंने की जो पिछले 1-1.5 साल से आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब हमारे मंत्री जी स्वस्थ हो, कब उन पे काम हो। हालांकि वो तो स्वस्थ नहीं रहे, आपके बीच में नहीं आ सके, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी उन बातों को सुना और वो सारी बातें जो एक बहुत लंबी फहरिस्त है उसको
उन्होंने पूरा किया। आज अनेक किसानों की बात हो, आपको पता है कि किसान किस मुहाने पे खड़ा है। और वक्ताओं ने बात बता दी, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, पर एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आपने योजना के माध्यम से गांव गांव में मीठा पानी पहुंचाया था। और इस बार उन्होंने उसी योजना को आगे ले जाते हुए हर गांव के घर घर में नल पहुंचाने का जो काम है उस योजना को स्वीकृत नहीं किया है। कुछ गांव में योजना का काम आपको पता है स्वीकृत के बाद काम चालू हो चुका है, बचे हुए गांवों में भी शीघ्र ही ये पूरा हो जाएगा। ये योजना भी आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध हुई है। और भी कई काम है, बस यही कहूंगा कि आज आपके बीच में हूं, 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है, बचे हुए आपके उस सपनों को भी पूरा करना है, आपकी उम्मीदों को पूरा करना है। जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा होगी, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहां से चुनकर भेजे, ताकि आप और हम मिलकर आने वाले समय में अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा, सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे घर के दरवाजे आज भी आपके खुले हैं, जो जय निवास जहां आप आशीष जी के पास पिछले 40 साल से लगातार आते थे, लगातार उनके पास अपनी बात पहुंचाते थे, आपको आज भी वो घर में से खुला मिलेगा। आप कभी भी आए, कभी भी पधारे, आपका मान है, आपका सम्मान है, आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस अंत में एक बार आपसे यही अपील करते हुए, इस आने वाले 17 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद दें, कांग्रेस के निशान वाले बटन को जिताकर यहां से मुझे विधायक चुनाने का मौका दें। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी मेघवाल साहब, सारी बातें आपको बताई। मैं एक नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ, कांग्रेस पार्टी मनोज मेघवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सुजानगढ़ के लोगों को संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, AICC के महासचिव सामान्य माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो आगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है इसका भाषण आपने सुना, मनोज मेघवाल जी, पंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सेवादल के सभी हमारे साथी आज इस चुनावी सभा में मौजूद, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आप सब जानते हो जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मात्र मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि वार्ड साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए,
और उनका जब स्वर्गवास हुआ एक बहुत बड़ी क्षति ना सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो तो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था हमारे साथ का उसको पूरा करने का उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो तीन किसी कानून उन्होंने बनाए हैं, इसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया उनको थोपा, उससे किसान नौजवान आज दुखी है, परेशान है। पेट्रोल डीजल गैस हर चीज की कीमतें आसमान छू रही और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है, लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए, जिस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें और 17 तारीख का जो उपचुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास पार्ट साहब का रहा और जैसा भाटी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में जो दिमाग साहब बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और छत्तीसगढ़ के लोगों की है, और हमें अपना एक एक वोट कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। इस नौजवान साथी को सबकी राय के साथ यहाँ पर हमारा उम्मीदवार बनाया है, आपको उम्मीदवार बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का एक दायित्व अपना निभाने का जो काम किया है उसमें आप लोग भागीदार बनेंगे। ये चुनावी सभा है, आगे 2 जगह और नामांकन भरकर सभा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मास्टर इकबाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं भी है, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर मनोज यहाँ से विकास अभियान को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। अब मैं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी पड़ोसी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से माननीय विधायक आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और इन्होंने पिछले 2 साल के समय में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी स्कूलें नई खोली, बहुत सारी कर्मोन्नत की। मैं इस अवसर पर डोटासरा साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और संबोधित करें। आपके अपने लाडले भाई मनोज कुमार की इस नामांकन रैली के ऊपर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय बाकन जी, सम्मान्य सचिन पायलट जी, पाटिल साहब,
और तमाम ये नेता जो मंच के ऊपर बैठे हैं उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके अपने चहेते, आपके बेटे, आपके छोटे भाई मनोज कुमार को हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, आला कमान ने, माकन साहब ने, सबने उम्मीदवार बनाकर के आपके बीच में भेजा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज के नामांकन के लिए आप सबको पता है जो उपचुनाव हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके नेता स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल जी ने 40 साल से अधिक समय आपके बीच में रह करके आपकी सेवा की है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो लंबी उम्र लेकर के नहीं आए। 75 साल से पहले पहले वो हमारे यहां से विदा हो गए। ये उपचुनाव इसलिए बीच में हो रहा है कि आज मास्टर भवनलाल जी नहीं रहे, लेकिन सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी आला कमान का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आला कमान ने हमारे छोटे भाई मनोज को यहां से आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। तीन चीजें ध्यान में रखने की बात है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टर भवनलाल जी को वोट नहीं दिया हो। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां मास्टर भवनलाल जी ने विकास का काम नहीं कराए थे। आपके व्यक्तिगत काम भी कराए, विकास के काम भी कराए और आपका नाम सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भवनलाल जी ने किया है। आज वो नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है, उनका सुपुत्र मनोज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ से मनोज भाई को 17 तारीख को कांग्रेस के सिंबल के मशीन के बटन के ऊपर हाथ दबा करके आप यहाँ से मनोज कुमार को विधायक बना करके भेजें और राजस्थान के विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्टर भवनलाल जी रहते हुए जो मंत्री पद पे रहते हुए भी हमेशा विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज के जो हालात हैं आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहाँ पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100-100 के पार हो गए हैं, गैस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 दिन से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ उनके कान पे जो नहीं रह रही है। इसलिए ये समय आ गया है कि इस उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान के विधानसभा में भेजे। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि वो मनोज कुमार, वो मास्टर भवनलाल मेघवाल का बेटा है, जिस मास्टर भवनलाल ने आपको कभी रुआसा नहीं होने दिया, कभी नामुम्मीद नहीं होने दिया, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहे हैं, आपके विकास में भागीदार बने हैं। अब समय आ गया है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और भाई मनोज कुमार को यहाँ से विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजें। आपके विकास के काम भी होंगे और यहाँ का नाम रोशन करने का काम करेंगे भाई मनोज कुमार जी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी मनोज कुमार हैं। हमने देखा व्हाट्सएप को भी, हमने देखा उनके साथ भी हमने काम किया, मनोज कुमार को भी काफी दिन से देख रहे हैं। इतना सच्चा और सीधा इंसान है कि ये आपके हमेशा पीड़ा में सहायता देगा, आपके विकास के काम करेगा और मास्टर भवनलाल जी की कमी आपको नहीं खलने देगा। ये जो विश्वास आप मनोज कुमार ने आपको दिलाया है इस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में
हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, ढाणी-ढाणी जाना पड़ेगा, माठ साहब के किए हुए कामों को बताना पड़ेगा और मनोज कुमार के हाथ मजबूत करके यहाँ से राजस्थान के विधानसभा में भेजने के लिए आज के बाद में हमको सोना नहीं है, आपके बाद में हम सबको लग जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके पड़ोस का विधायक भी हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी आला कमान ने मुझे दे रखा है। आप समझ सकते हैं कि आदरणीय माकन साहब, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी और हम सब आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में इस आने वाली इस सरकार में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं तो ये कह सकता हूँ लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा अगर किसी को विकास का मिलेगा तो वो सुजानगढ़ होगा, मेरे छोटे भाई की तरह मान करके हम सब लोग आगे चलेंगे और हम कामयाब होंगे। 2 साल में जिस प्रकार का काम हुआ, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ, इस प्रकार से इस बार का बजट दिया गया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा बजट नहीं हुआ, किसी स्टेट ने बजट नहीं दिया जहाँ केंद्र की सरकार शिक्षा हो चाहे कृषि हो सबके ऊपर कटौती कर रही है। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है एक से बढ़कर के एक बातें विकास के काम आप सबके सामने बजट में दिए हैं। और एक बात जो आज तक नहीं हुई, जिसके लिए किसान वर्ग हमेशा कहता रहा था कि कृषि का अलग से बजट होना चाहिए, मोदी जी ने वादा करके मुकर गए, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अब की बार वादा किया कि अगली बार हमारा किसान के लिए अलग से कृषि का बजट होगा। इससे बड़ी सौगात किसान वर्ग के लिए कोई हो नहीं सकती है। आज 3 नामांकन रैलियां हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं, अपने को आज के बाद में सोना नहीं है, जब तक वोट नहीं पड़ जाए 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक भी है तब तक जिता करके पेटी में इतने वोटों से भर दीजिए। आज जो राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा है कि चारों चुनाव जब भी 1-3 हो रहे हैं एक बाद में होंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2.25 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, विकास के काम भी किए हैं, सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका उनकी नकारा भूमिका रही है, आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के असीम सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के असीम सपने हैं, ये राजस्थान की जनता देख लिया है कि ये केवल एक दूसरे नेता को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों का उनको कोई परवाह नहीं है। इसलिए आप लोग मजबूत कीजिए, सरकार और बेहतर तरीके से काम करे और हमारे यहाँ विकास के काम कराए, अपने व्यक्तिगत काम भी कराए, इसलिए सरकार को मजबूती देने के लिए और यहाँ पर सुजानगढ़ में चहुमुखी विकास कराने के लिए भाई मनोज को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप 17 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर बटन दबा करके यहाँ से भाई मनोज को विजयी बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे भी जाना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देते हुए माठ साहब जो 40 साल से आपकी सेवा कर रहे थे उनको आप जरूर एक बार सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि भाई मनोज को राजस्थान के विधानसभा में विधायक के रूप में बना करके भेजें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डोटासरा साहब। अब मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय माकन जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे हैं और सुजानगढ़ के लोगों को संबोधित करें। आदरणीय माकन साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, हमारे इस इलाके के लाडले और होने वाले विधायक भाई मनोज मेघवाल साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के और वरिष्ठ मंत्रीगण, साथियों, भाई और बहनों, मैं बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहूंगा क्योंकि आगे और 2 रैली के अंदर हम लोगों ने जाना है। मास्टर भवनलाल मेघवाल साथियों एक बहुत बड़ा नाम था, आप लोग जो लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं शायद इस चीज को आप लोग महसूस नहीं करते होंगे कि लगभग 4 दशक से ज्यादा सार्वजनिक जीवन के अंदर
कार्य करने वाले मास्टर मेघवाल जी ना केवल सुजानगढ़ के ना केवल राजस्थान के बल्कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े नेता थे और आज उनके दिखाए हुए सपनों को पूरा करने के लिए मनोज मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो उम्मीदवार बनाया है। मैं केवल दो बातें यहां पर कहना चाहता हूं और ये दोनों बातें मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं पहली बात कि साथियों, अगर आप लोग यहां पर इस चुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को जिताते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि इस इलाके के अंदर चहुमुखी विकास किया जाए और पूरे राजस्थान में सबसे आगे निकल करके जाए। ये मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, यहां पर लगातार लोग कह रहे हैं मुझे, दिल्ली के अंदर भी, यहां पर भी, कि राजस्थान के अंदर हम लोग विधानसभा के उपचुनाव जीत रहे। यहां पर मैं स्टेज पे भी देख रहा हूं, नीचे भी देख रहा हूं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और ये भी बात मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूं कि मैं खुद यहां पर विड्रॉल के बाद में चुनाव तक के मैं यहां पर रहने वाला हूं, मेरे साथी और भी लोग यहां पर रहेंगे। हम एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी साथी यहां पर कांग्रेस के यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे राजस्थान सरकार में, संगठन के अंदर उनको उचित तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से फिर से अनुरोध करना चाहता हूं मास्टर जी की याद में मास्टर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। और लगभग 4 दशक से ज्यादा जो उनकी सच्ची सेवा आप लोगों के लिए करी है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और मनोज मेघवाल को आप लोग वोट देकर के जिताएं और उसके बाद भूल जाए। इस इलाके का विकास का काम कांग्रेस पार्टी देखेगी। कांग्रेस के ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा का सारा नेतृत्व उसके ऊपर नजर रखकर के यहाँ पर विकास का काम कराएगा। ये गारंटी हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माकन साहब। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बोले उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गहलोत साहब ने आज से 2 महीने पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उस समय सुजानगढ़ की बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण किया था और उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मास्टर मोहनलाल जी जो आपके विधायक थे आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उस अवधि में आपके विधायक के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी सेवा करेगा और मास्टर मोहनलाल जी ने जो काम अपने हाथ में लिए थे वो सारे काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करने का विश्वास दिलाया था और बहुत सारे काम हुए भी हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जोरदार नारा लगाएं, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई मनोज मेघवाल। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और सुजानगढ़ के 36 गांव के लोगों को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, वीडियो बनाने पर जाना, 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 वीड
अधिकारी हो गया है।
टाइम बाउंड तरीके से इस प्रकार से हम लोग पानी पहुंचा जाएगा, ये हमारे रोड चार्ज है। इसी में आपको निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप दिमाग में रखें, अगर ये चुनाव को आप बीजेपी जीता लेते हो तो उनका बहुत सारे लोग है भी है उसमें, एक संख्या बढ़ जाए कि उत्तर हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप कांग्रेस में जिताते हो इसके माने हैं पूरे प्रदेश में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, कर्मचारी उन सब में भावना पैदा होती है सरकार बहुत मजबूत है, सरकार का विश्वास, जनपद विश्वास सरकार के साथ में है और वो मजबूती सेवा करते हैं, गांव वालों को मान सम्मान देते हैं। जरूरी लोकतंत्र में सरकार आपकी है, आप उसको मजबूत करोगे तो आने वाले वक्त में अभी दुकान कहने थे चार साल बजट पे करने का कोरोना काल के अंदर की दुकान व्यवस्था केंद्र की भी राज्यों की पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, उस पर किस प्रकार से शानदार बजट पेश करने की उम्मीद की क्यों बनी, उम्मीद करते थे पता नहीं क्या होगा, हमने कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो करीब लगभग 100 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, महिलाएं कॉलेज खोल दी, मान साहब के नाम ले तो हमें चारों विधायक हमारे बीच में रहे, चारों जगह हम लोगों ने महिला कॉलेज खोल दिए उनके नाम, और ये गौरव की है। अब कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़के जहां पड़ेगी स्कूल के अंदर उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है चुनाव। इसके माने हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर हम जोर देना चाहते हैं लड़कों के साथ साथ, और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप गांव गांव में लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ करें, कई परिवार वाले भेजते नहीं बड़े शहरों में लड़कियों को लड़कियों अब जो स्कूल है गांव में है, कस्बों में है, जहां भी है, वहां तो बच्चे भर्ती करा दोगे, वहां अगली साल हम लोग कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे। इस प्रकार से कई ऐसी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं, परसों से 1 तारीख जैसा आपको मालूम है कि हमने पहले दवाइयां फ्री कर रखी है राजस्थान के अंदर, टैक्स फ्री कर रखे हैं, आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए हम लोग, इसमें चाहे भामाशाह योजना थी, चाहे आयुष्मान भारत सरकार योजना थी, उनको बिना लिया था, चाहे ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा राजस्थान सरकार को उसकी परवाह नहीं करी हमने, अब हमने कदम उठाया है। परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है शादी श्रोता के अंदर उसको जोतने वापस रजिस्ट्रेशन कराने की, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उसके बाद पूरे प्रदेशवासियों का हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर हमने तय किया है 3,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, सिर्फ 400 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत वाले, बाकी पैसा हमने मंजूर किया खर्च करना, परंतु पूरे प्रदेशवासियों का चाहे वो गरीब है अमीर है कोई है सबका परिवार का 5 लाख का बीमा हो जाएगा बीमारी के इलाज का, ही मैं कहना चाहता हूं। 1 तारीख रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 10 दिन तक तो ग्राम पंचायत में कैंप लगेंगे, उसके बाद में आप खुद भी चाहें तो अपने घर पे या ई मित्र से कहीं से भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हमारे नौजवान बच्चे तो उसके मोबाइल फोन पे कंप्यूटर पे कर लेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो 5 लाख हर परिवार का बीमा, और अगर पैसा वाला कोई है तो खाली उसको 850 रुपये देने पड़ेंगे तो उसका भी 5 लाख बीमा होगा। इसका मतलब पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों के लगभग 7 करोड़ की जनता जो है
उन सबका बीमा हो जाए। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा आपको कि इनके बाद एक बार से हमने योजनाएं प्रारंभ की है। आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। अभी हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो ओबीसी में नहीं आते हैं, एससी एसटी में नहीं आते हैं, एमबीसी में नहीं आते हैं, उनको भी हमने छूट दी है। पहले तो 8 लाख तक है इनकम भी छूट थी, उसके पहले की अड़चने थी मकान जायदाद जायदाद जमीन जायदाद वो खत्म करी, अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो उनका भी एससी एसटी ओबीसी से आयुष्मान में भी और फीस के अंदर भी छूट मिलेगी, जो बड़ा फैसला भी हमने किया, छोटी छोटी पहुंची। इस प्रकार से बहुत फैसले होने चाहिए। कई बच्चे हजार के आसपास नौकरी लग गई है, 70,000 प्रक्रिया में है बच्चों के लिए। कई हमारे छात्र और नौजवान सरकार से मांग करते रहते हैं और सरकार भी बराबर कोशिश करती है किस प्रकार से इनकी मांगों को पूरा कर। कई मांगे ऐसी होती जो कि एक साथ रखा नहीं था, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हर चीज को बारीकी से हमने अध्ययन किया। अभी जब कोरोना आ गया, कोरोना तो देश के अंदर नंबर वन पर है राजस्थान, जहां शानदार कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही है, सबसे अच्छी जो है ठीक होने की दर वो राजस्थान की थी। और तो और जो हमने केंद्र सरकार ने जो मेडिकल के डॉक्टर नर्सेज है उनके लिए कहा 50 लाख मिलेंगे अगर इनको कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सेवा करते हुए। हमने ये कदम आगे बढ़ा के कहा कि राजस्थान में कोई कर्मचारी जो कोरोना के अंदर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है गरीबों की, आम आदमी की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो, एएनएम हो, आशा सहयोगी हो, आंगनवाड़ी वर्कर कोई हो, उन सबको हम लोग 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना की सेवा करते। ये सदा फैसला होने वाला फैसला। और अभी हमने फैसला किया है तो राशन की दुकान चलाई, राशन की दुकान उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी, और पत्रकार लोग भी बराबर कवरेज कर रहे थे, ज्यादा कहें भाई कहा कोरोना का इलाज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, अस्पताल में क्या तकलीफ है, कोई कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, आईसीयू बेड की कमी तो नहीं है, टेस्ट की सुविधा कैसी है। तो हमने ये फैसला किया कि चाहे पत्रकार हो और चाहे वो राशन का डीलर हो, उनको ही अगर कोई डेथ हो जाती है तो उस डेट से लागू किया, जब कोरोना शुरू हुआ था एक साल पहले सबसे लागू कर दिया पौने डेढ़ से, उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोरोना की सेवा करते हैं मृत्यु जाते। का मतलब यह है कि तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है, कई इससे फैसले किए होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बजट के अंदर हम चाहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद ये चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं, जैसे आपके यहाँ काफी बातें बताई गई, ओवर ब्रिज का काम 4-5 करोड़ का हो रहा है राजगढ़ के अंदर, जो मांगा मनोज ने वो हमने किया है। और आगे भी मैं कहना चाहूंगा आपकी दुआओं के अनुरूप जो मांगे होंगी आपके क्षेत्र की, महाराज साहब तो बहुत ही पुराने अनुभवी थे, हम लोगों दोनों ने राजनीति जीवन साफ साफ शुरू किया है। 77 में वो भी खड़े हुए चुनाव में तिरंगा थे विधानसभा का, और 77 में हमें भी खड़ा हुआ चुनाव में जो थे एमएलए के लिए, 80 में एमपी बन गया, वो एमएलए बन गया। लगातार हम लोग 40-45 साल आप देख लो का आज मार साहब का अनुभव तो उनका अच्छा, तो मनोज के विचार आपने सुने ये भी स्ट्रॉन्ग है, उनके अनुभव इन्होंने दिए हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, दुर्गाशा जी ने, हम सब इनका ख्याल रखेंगे, जो जो मांगे आप आपकी होगी इनके थ्रू लाएंगे आप। हम चाहेंगे कि सुरानगढ़ का विकास, चौहानों के विकास, जो मां साहब का सपना था अधूरा, उन्हें पूरा करें हम लोग, तो कमी नहीं आने जाएंगे, ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं।
इसलिए मैं चाहूंगा कि मांगे तो बहुत सारी है और आपके नगर परिषद के अध्यक्ष कह रही है कि नगर परिषद सीवरेज और देने के काम भी है, ऑटो के काम है बजट के लिए, सेकेंड फ्रीज के काम इंडोर स्टेडियम के संदेह करें, अभी तो आचार लागू की हुई है, क्योंकि हम लोग कोई नई मांग को मंजूर कर नहीं सकते। आप तो समझ आ रहे बातों तो जो भी आपके रिकार की बातें होगी आप निश्चिंत रहो, चुनाव के बाद में आप इनको कामयाब करो, अपना आशीर्वाद दो, जिताओ, उसके बाद अमर को छोड़ दो, विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये मैं आपके बाबा चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से हम चाहेंगे कि जो आज तक सुशासन चला है राजस्थान में, दो साल पूरे हो गए हमें काम करते हुए, कई वादे ने पूरे किए हैं, कई वादे पूरे करना चाहते हैं, हमारा घोषणा पत्र है वो हमारा दस्तावेज है काम करने का, और सचिन पायलट जी थे जब अध्यक्ष तब बना था वो घोषणा पत्र, उसको लागू करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, हमारा कमिटमेंट है कि वो पहले खुला हो। इस प्रकार हम चाहेंगे बजाय कि बीजेपी नेता लोग जो आलोचना करते रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, बहुत ही निम्न स्तर की आलोचना करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनकी पार्टी की धनवान हो गई है। आज बीजेपी पार्टी दुनिया में सबसे अमीर पार्टी है, देश के अंदर दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कोई है, पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में, क्योंकि एक तरफा धन इकट्ठा कर रही है, राम राम दंड भी देते काम कर, तो वसूल नहीं होता है, कभी लोन बंदी कर देते हैं, कभी धमका देंगे सुनिश्चित को, इनके तरीके अलग है। अभी इलेक्ट्रल बोर्ड लेके आ गए लोग, परमोमिटिक सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा, मनोमिंदर थी नहीं किया उन्होंने, एक इंडस्ट्री 100 करोड़ का बॉल निकालता है, 55 करोड़ देता है बीजेपी को, 5 करोड़ बांटता है कांग्रेस में, सीपीएम में, सीपीआई में, सपा में, बसपा में, आप सब कहा जा रहा थे, लोकतंत्र में अगर बराबर की लड़ाई नहीं होगी सब तरह से तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है विपक्षी पार्टी मजबूत रहे, हमको राजस्थान स्वागत करते हैं विपक्ष का, अगर वो तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं सरकार की हमें खुशी होती है, क्योंकि हमें उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, हमारी कमियां कोई है बताए वो हमारी आलोचना करे, हमें कोई अहम भ्रमण से नहीं चलेंगे, हम लोग हम उनकी कमियां बताई उनको ध्यान देंगे ठीक करेंगे, ये हमारा तरीका काम करना। उनका तरीका क्या है जो देख रहे हो किसान मेरे 4 महीने, ये उनका तरीका है। अरे सरकार जिसे सरकार का विचित करती है क्या, किन के आशीर्वाद से आप जीत के आए हो, किसानों के आशीर्वाद से, भारी बहुमत मिला आप लोग पार्लियामेंट के अंदर, आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 300 घर मारे गए हैं, आज भी वार्ड में बैठे हैं वो लोग और सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही, जिद खड़ी हुई है। आज इनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन दिन को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, दीपक जी पार्टी ने बात कीजिए, पार्लियामेंट बहस करवा दीजिए और नए बिल लेके आ जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपका, और लागू कर नहीं पाएंगे। इस माहौल के अंदर केंद्र सरकार उन तीनों कानूनों को कभी लागू कर ही नहीं पाएंगे, मैं सारे जगह समझता हूं, कितनी कोशिश करने लागू नहीं कर पाएंगे, जिनकी हित की बात करते हैं वो किसान कहता है हमारी इतनी नहीं मिली है, किसान उभरा है देश का, पूरी दुनिया देख रही है, यहां पहले मोदी जी के स्वागत होता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, सब जगह स्वागत कर रहा है, पर आज आप देखिए वहां क्या हो रहा है, वहां के अखबार भरे पड़े रहते हैं आलोचना कर रहे हैं मोदी जी की सरकार,
लोकतंत्र सीमित रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका में चाहे वहां का अखबार हो चाहे वो ब्रिटेन के अखबार हो, सब अखबार उनके हालत पर डाल करते। ये जो तरीका है सोच का, कांग्रेस की सोच में इनकी सोच में ही फर्क है। कांग्रेस की सोच तो महात्मा गांधी की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने का संविधान, उसके आधार पर हम लोग क्षेत्रधार काम कर रहे हैं। चाहे बांग्लादेश आजाद करा दिया इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब के अंदर खुदी जान दे दी, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सीधा क्षति कर दिया, वो तो मंजूर हुआ पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बने। राजीव गांधी सोच लोग देश के इस त्याग बलिदान की कहानी है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। सत्ता में लाड़े हैं, सत्ता में आने के बाद में आज ये अर्म भ्रमण के साथ प्रस्थापन करना चाहता हूं। और लोकतंत्र वोटों के राज में जनता जो है अच्छों अच्छों का भ्रमण चूर चूर कर देती है, पैरी भी कर दिया। इसलिए कहना चाहूंगा कृपा करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के विकास के लिए। राजस्थान में गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, छत्तीसगढ़ कौम का, उनके हितों में रक्षा करने के लिए आपको चाहिए। जो हमने विकास किया है उसे नाम तो बहुत मांगते हैं। और ये बीजेपी नेता आपको गुमराह करेंगे, आकर के मीटिंग करेंगे, इतना पैसा उनके पास में है, जनपद के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आपको वो करार जवाब देना है, ये मेरी आपका अपील रहेगी। और इन्हीं सबकों के साथ में पूरे आपसे कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहे, हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी काम करने में, जो वादे किए वो भी, और जो आप हमें इतला देंगे वो भी मानेंगे, और जनता के आपकी सेवा करेंगे। इस बात के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं धन्यवाद के लिए भूसाराम जी वगैरह से निवेदन करूंगा कि आए और सभा को धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थानी लोकप्रिय नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोकासरा जी, एसपीसीसी के चीफ पायलट साहब और हमारे प्रदेश के प्रभारी अशोक महाजन साहब और तमाम मंत्रीगण और नेतागण और सामने विराजमान सभी हमारे सीधानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा को शांतिपूर्ण सुना और बड़ी संख्या में फैलाए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस चुनाव जीते, ये मुख्यमंत्री जी को आप विश्वास दिला दो कि मुख्यमंत्री जी मनोज मेघवाल और कांग्रेस आई 17 तारीख को विधायक का चुनाव जीत जाएगी, जीत जाएगी। और हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप 1 महीना 2 बार हमारे बीच में आए और सभी हम आपको सब मिलकर कांग्रेस को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। जय भारत।